Finally guys, it's time to leave. जल्दी से निकलते हैं. Finally guys, it's time to go. Guys, welcome to this new vlog. कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में. मेरा नाम है स्मित पटेल और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी व्लॉगिंग जर्नी. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. तो अभी का कुछ टाइम हो चुका है 9:59 और आज कहीं निकलने का प्लान है, कहीं जाने वाले हैं हम. तो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं, व्लॉग में बने रहिए. आगे आपको सारी चीज़ों के बारे में दिखाने वाले हैं और सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा. ऑब्वियसली आज कहीं निकलने वाले हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो होती है पैकिंग और थोड़े बहुत कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डालने. तो फिलहाल वो करते हैं. रेडी हो चुके हैं और अभी का फिलहाल का टाइम हो रहा है 12:17 और पैकिंग वैकिंग भी हो चुकी है. ये दो बैग्स लेके निकल रहे हैं, एक ये बड़ा वाला बैग है और एक ये छोटा सा बैग है और काफी कुछ सामान इतना है नहीं ज्यादा. फिलहाल का यही सीन है, पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है कम्प्लीट. अभी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो डालनी है बैग में, बस इतना ही है. बाकी सीधा अभी थोड़ी देर सोऊंगा और शाम को मिलकर. हेलो गाइस, अभी का टाइम हो चुका है 5:25 एंड वी आर ऑल सेट टू गो. ये रहा एक बैग इधर है और दूसरा जो बैग है वो पीछे है मेरे. तो या वी आर ऑल सेट टू गो, जल्दी से निकलते हैं और 6 बजे तक पहुंचते हैं, बाद में मिलते हैं. फिलहाल आ चुके हैं लिफ्ट में और अभी जल्दी से सीधा निकलते हैं बिना कोई देरी. ये हमारा OOTD ऑफ द डे. फाइनली गाइस, रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं. अभी का प्लान ऐसा है कि कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, समोसा पाव या ऐसा कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत लाइट वेट, क्योंकि दोपहर को कुछ खाया नहीं था. तो अभी बस इतना ही प्लान है कि कुछ खाते हैं पहले और देखते हैं क्या करना है. हेलो गाइस, एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है. जब आप वो व्लॉग देख रहे होंगे तब मैं ऑलरेडी घर पर पहुँच चुका हूँ और हुआ यूँ कि मैं उस व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था. ऑलमोस्ट एडिटिंग हो चुकी थी और नेक्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था. अब दिक्कत क्या हुई कि मेरे फ़ोन की जो स्पेस है वो है 64 GB वेरिएंट है मेरा, ठीक है. तो दूसरा व्लॉग जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो उसमें एक इंस्टेंटली मैसेज आया कि स्टोरेज स्पेस फुल हो चुकी है आपकी. तो मैंने सोचा कि जिस एप्लीकेशन में मैं एडिटिंग कर रहा था उस व्लॉग की वो उसको ड्राफ्ट में रखता हूँ और उसकी जो क्लिप्स है वो मैं डिलीट कर देता हूँ. तो जितनी भी क्लिप्स थी वो मैंने विदाउट सेव किए हुए डिलीट कर दी. तो मतलब समझ ही गए होंगे, मैं सीधा अभी खाना वाना कुछ नहीं खा रहा हूँ उस व्लॉग में. सीधा मैं पहुँचूँगा सुबह. बीच के जितने भी स्टेशन वेशन का मैंने जितना भी रिकॉर्ड कुछ किया था वो सारी क्लिप डिलीट हो चुकी है. अभी सीधा सुबह का व्लॉग है, सीधा मैं होम टाउन मेरे भावनगर पहुँचता हूँ उसका व्लॉग है सीधा. तो वो देखिए, अभी गलती हो चुकी है तो हो चुकी है. अभी मतलब क्या ही बोले, अभी गलती से ही लोग सीखते हैं, राइट. तो अभी मतलब पूरी मेहनत करके मैंने वो सब कुछ एडिट किया था. पूरी रात ट्रेन में बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा था एक्चुअली. तो सारा कुछ अभी गया है तो सीधी सुबह होगी. अभी बाकी की जो चीज़ें हो मैं आपको बता दूंगा आने वाले ब्लॉग्स में. मतलब इतना ही कुछ था कहने का. अभी जो भी आगे है वो एन्जॉय कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या क्या होता है.
सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो चुका है 7:35 और हम आ चुके हैं सोनगढ़ स्टेशन पे। इसके बाद बस एक ही स्टेशन लेफ्ट है और वो है सीहोर जंक्शन एंड वी आर ऑल सेट टू रीच अवर डेस्टिनेशन। तो ये है सोनगढ़ जंक्शन। उसके बाद बस एक ही स्टेशन बाकी है, वो है सीहोर जंक्शन। उसके बाद बस हम पहुंच चुके हैं अभी भावनगर पर एंड या दैट्स ऑल। सो फाइनली गाइस वी रीच अवर डेस्टिनेशन, भावनगर पर आ चुका है एंड हियर वी आर। फाइनली पापा जी भी आ चुके हैं। घास नाट ली थी घास ने हम पहुंच चुके हैं घर और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा और मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, पीस, बाय।